हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी व्याकरण। सब बच्चे हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाले। पेज नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे पेज नंबर 18, मतलब छोटे बड़ाओं की मात्रा कर लिए थे, आज पढ़ेंगे री की मात्रा। सब बच्चे पेज नंबर 18 पे देखिए, हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाली कक्षा 3 के बच्चे। कल हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े थे क्या कि मात्राओं का लगाने का सही तरीका। तो इसमें हम लोग बड़ाओं तक समझे थे और र में कैसे लगाना है। तो आज करेंगे री की मात्रा। री की मात्रा पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, सब लोग देखिए। कह रहा है कि री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। री की मात्रा कहाँ लगती है? मान लीजिए ये व्यंजन है तो उसके ये नीचे लगती है। और फिर जैसे ये ग है तो ग में री की मात्रा नीचे लगती है। ऐसे ही है क्या ए की मात्रा? ए की मात्रा क्या होती है? ये व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे क्या है, क है ये, तो ये इसके ऊपर लग रही है, ठीक। और ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे मान लीजिए हमको बैल लिखना है तो डबल ये लगेगा लेकिन ऊपर लगेगा व्यंजन के। अब आता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा भी व्यंजन के बाद और ऊपर लगती है। ओ और औ क्या है? ओ और औ की मात्रा जो है व्यंजन के बाद और ऊपर लगती है। जैसे ये व्यंजन हो गया क, और उसके ये क व्यंजन है, उसके बाद ये लिख रही है कोयल, मतलब ये बाद में। ऐसे ही औ की मात्रा भी लगती है, ऊपर भी लगेगी और व्यंजन के बाद। आइए पेज नंबर 19 पे देखते हैं। पेज नंबर 19 पे देखिए क्या दिखा रहा है। दिखा रहा है कि अ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में ऊपर लगती है। जैसे अ पौधा कौवा, अभी समझाए हैं आप लोग को। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है कि इसका प्रयोग, ये देखिए अंग इयाड़ न और म व्यंजनों के विकल्प के रूप में किया जाता है। अर्थात इन व्यंजनों को हटाकर इसमें पूर्व आने वाले व्यंजनों के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे जैसे ये पतंग आ रहा है तो इसमें अंग आ रहा है तो उसको हटा के हम अनुस्वार, एक बिंदी होती है तो उसको लगा देते हैं। ये पंक्षी, पंक्षी में इया जो आती है तो उसको हटा के हम लोग बिंदु के रूप में लिख देते हैं। उसके स्थान, उसका चेंज, जगह चेंज हो जाता है, स्थान बदल जाता है, उसको हटा कर दूसरा अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक वैसे ही झंडा। झंडा में ये अड़ा वाला है, संत में आधा न है, पंप में ऐसे, तो उसके जगह पे हम क्या लगा देते हैं? अनुस्वार का चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? ये बिंदी टाइप में ऐसे, ठीक। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या कह रहा है कि यह अनुस्वार से मिलती जुलती एक ध्वनि, अन्य ध्वनि है, एक और अन्य ध्वनि है जिसे, जिसका विकास स्वर के उच्चारण में नाक की मदद से लिया जाता है। और इसका इसका चिन्ह क्या है? ये देखिए चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और चंद्र बिंदु की भी सिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। यदि सिरोरेखा के ऊपर पहले ही मात्रा में लगी होगी तो लिखने में आसानी होगी और बिंदु ही लगाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया है अनुनासिक है ना, अनुनासिक का चिन्ह में हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। क्या आ रहा है? दांत आ रहा है, चांद आ रहा है, ईंट आ रहा है, कैंची आ रहा है, ठीक। तो यही कह रहा है कि इसको बिंदु के रूप में भी और ये चंद्र बिंदु कैंची में, जैसे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे इसका प्रयोग करते हैं अनुनासिक का, ठीक। अब आता है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। पेज नंबर 20 पे आते हैं। अब हमारा आगे आता है क्या, विसर्ग। आइए देखते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग का उच्चारण है अह की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण अह, इसका चिन्ह इस तरह से बिंदु दो है, इससे ये देखिए ऐसे, और जिसे अक्षर के बाद लगाया जाता है। और ये क्या है? विसर्ग है। जैसे अब यहाँ कह रहा है कि अन्य ध्वनियाँ। अन्य ध्वनियाँ मीन्स हिंदी भाषा में समय के साथ अन्य भाषाओं के कुछ शब्द स्वीकार कर लिए जाते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। और इन शब्दों के साथ इनकी ध्वनियाँ भी आ जाती है। जैसे आ, या अंग्रेजी में आई ध्वनि है जो ये आ है। जैसे भी हम बोले थे इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में आए कुछ शब्दों से ही होता है, जैसे कॉपी, बॉल, रॉकेट, टॉफी, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इनका उच्चारण आ तथा ओ के बीच क्या होता है, जैसे ज तथा फ, इनका प्रयोग अरबी और फारसी के बीच में, ज तथा फ, इनका प्रयोग अरबी
फारसी में आए कुछ शब्दों से होता है, जैसे सजा, जहाज, कागज़, ज़रूर, ये सब फारसी के हैं और अरबी के शब्द हैं। साफ, फन, फसल, आफत, ठीक। तो ये सारे चिन्ह क्या कहलाते हैं? अन्य ध्वनि कहलाते हैं। अब आता है अक्षर। आपने देखा होगा क्या कि सभी मूल व्यंजनों को लिखा जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता है। सभी मूल व्यंजनों को लिखा जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता, और इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इन व्यंजनों को लिखने के लिए उनका उसका हल चिन्ह हटाकर उसे स्वर की मात्रा के रूप में लिखा जाता है, और इस प्रकार स्वर तथा स्वर के अंत में होने वाले सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर मतलब अ आई और स्वर से अंत होने वाले सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। इसीलिए सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मात्रा लगे व्यंजन लिखने में तो छोटे होते हैं परंतु इनकी ध्वनियाँ सबसे छोटी नहीं होती हैं। और जैसे कि कारी, जूपी, ही के, उसू आदि अक्षर हैं किंतु वर्ण नहीं हैं, ठीक। सभी वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी स्वर रहित तो होते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे कह रहा है कि सभी स्वर वर्ण अक्षर होते हैं लेकिन सभी स्वर रहित व्यंजन होते हैं, अक्षर रहित, जैसे कि नहीं हो सकते। सभी स्वर रहित व्यंजन अक्षर नहीं हो सकते हैं, जैसे अ आई ओ ई आदि अक्षर हैं लेकिन क ख ग घ में आदि वर्ण पर अक्षर नहीं है, क्योंकि इन्हें बोलने में बोलना ही संभव नहीं है। जैसे ये क ख ग घ ये व्यंजन है, इन्हीं को बोलना असंभव है, लेकिन स्वर वर्ण का मेल कर देने से इन्हें बोला जा सकता है। क खा ख घी घु गे घी, ये देखिए घ में अगर स्वर वर्ण लग गया है छोटी बड़ी ही, तो घी हो गया, घी हो गया है, खा क, ठीक। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहता है कि दो व्यंजन मतलब क और स है जो है वो दो व्यंजन हो गया, उनसे बनने वाले उसको जो व्यंजन होंगे उनको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले वो जो अपना रूप बदल दे तथा दूसरा वो जिनका रूप नहीं बदलता है। रूप बदलने वाले संयुक्त व्यंजन आइए देखते हैं। कक्षा, मित्र, संज्ञा, श्रीमान, ये सब रूप बदल देते हैं, रूप बदलने वाले संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छत्र, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन के रूप बदलने वाले संयुक्त व्यंजन। लेकिन जैसे अभी यहाँ कह रहा है कि जिस संयुक्त व्यंजन में एक अक्षर र का उसका प्रयोग इस प्रकार से बदलता है, जैसे प है उसमें र लगा देंगे तो प्रश्न, इसे पदेन कहते हैं लेकिन इसे रेफ कहते हैं। जैसे ये र है इसको भी र के रूप में, ये भी संयुक्त अक्षर के ही एक अक्षर हैं, ठीक। जैसे प्र है ये इसे पदेन कहते हैं और इसे रेफ कहते हैं, ठीक। तो ये सब रूप बदलने वाले व्यंजन है। ध्यान से पढ़िए बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और अच्छा भी है, थोड़ा सा टफ भी है, ठीक। फिर होता है रूप न बदलने वाले, जैसे आधा ट है, ये एक ट ये हो गया और एक ये ट हो गया, दो व्यंजन ये हो गए ना, सब में दो दो व्यंजन हैं, ठीक। पत्ता, अद, कद्दू, बस्ता, ये सब मतलब बिल्ली जैसे जो आ रही है, ये सब क्या होती हैं? रूप नहीं बदलते हैं, संयुक्त व्यंजन के न बदलने वाले रूप हैं। जैसे ट पद आदि व्यंजनों में स्वर आदि व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, किंतु शब्द में प्रयुक्त होने वाले इनका उच्चारण हो रहा है, समझिएगा। व्यंजनों को अलग मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन शब्दों में इसको प्रयुक्त किया जाता है, इनका उच्चारण होता है। अब आता है शब्द। शब्द क्या होता है बच्चों? हम शब्दों के द्वारा अपनी बात कहते हैं। यदि हम कोई वर्ड जैसे घ बोले तो कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है, किंतु एक शब्द घर सुनते हैं तो उसे दिमाग में ईंटों सीमेंट से बने मकान की चित्र को उभारता है घर का, लेकिन घर से कोई ऐसा नहीं आ रहा कुछ भी। आते हैं पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 कह रहा है कि शब्द अक्षरों या वर्डों के मिल से बनते हैं। शब्द जो हैं अक्षर, वर्ण या मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से। जैसे घर हो गया, घर घर अलग अलग करके दिखाया है, तो इस प्रकार अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ से शब्द कहते हैं। किसका? अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, किसका निश्चित मतलब हो,
तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे भी यहाँ कह रहा है कि यदि वर्णों का मेल ना हो परंतु उसका मेल हो तो परंतु उसका कोई अर्थ मतलब ना निकले उसे शब्द नहीं कहा। जैसे कि कानम कानम नमका नकाम, इन इनका मतलब कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इनका कोई अर्थ न होने के कारण इन्हें केवल वर्णों या मेलों के समूह के रूप में कहा जा सकता है, शब्द नहीं। ओके बेटा, तो अब इसका एक्सरसाइज जैसे यहाँ पे दिखा रहा है तो आप इसके इसको करने की पूरी कोशिश करिएगा। 22-23 के एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन आंसर हम कल करवाएंगे। ओके, आज इतना बुक समझिए, पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, पढ़ के रीडिंग करिए और इसका एक्सरसाइज करने की कोशिश, जब आप इसको पढ़ेंगे तभी इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका ये होमवर्क है, पेज नंबर 22 और 23 का करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।